दिस इज वेलकम दोस्तों वेलकम टू दूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी गर्मी बढ़ती हुए और मैदान की पतंगबाजी पे फिर से इम्पेक्ट पड़ने वाला यार दोपहर में पतंगबाजी करना मैदान से बाप रे डिहाइड्रेशन एंड ऑल पानी वानी का पूरा ध्यान रखना पीते रहना मेरे भाई लोगों बाकी अभी कहते हैं हम आपका बरेली उनकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी बट उससे पहले आज एक और मांझे का रिव्यू होने वाला है और जिस मांझे का हम रिव्यू करेंगे अभी वन टू थ्री की डोर है विच इज़ टोटली अलाव ऑन ग्राउंड आप मैदान पर उड़ा सकते हैं छतों पर तो आपको वैसे भी कोई टेंशन नहीं है तो आज का रिव्यू बहुत खास होने वाला है बिकॉज मेकर है मैं कहता हूँ कि जितने भी यंग जितने भी नए मेकर हैं उनको मौका दीजिए दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि एक आपको अच्छी चीज़ दे सके और कम प्राइस के अंदर जी हाँ दोस्तों जब मैंने बोला कम प्राइस तो आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है एक ऐसे मांझे के ऊपर है जो कम दाम में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देता है तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, स्टार्ट करते आज के ब्लॉग को तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं अच्छे मांझों के अच्छी पतंगों के और हम डिस्कस करते हैं मांझो और पतंगों के बारे में तो बात कर रहे थे आज हम मांझे के ऊपर और जिस मांझे का हम रिव्यू करने वाले हैं विच इज़ नजम राजा धुलल अच्छी मांझा दैट इज़ नॉट श्योर कि धुलल अच्छी मांझा क्या बट हाँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे लगा इस रेंज के अंदर मैं बताऊंगा पूरा उससे पहले दिखाते हैं आपको मेकर को एक छोटा सा वीडियो मेकर के अड्डे से फिर कंटिन्यू करेंगे आगे आपको बताएंगे अपना रिव्यू अलैक दोस्तों ये है नानी नाजिम रज़ा और जी के नाम है इनका माशाल्लाह काफ़ी ब्लैक कलर का मांझा है ये पानी धुला चुका इन्होंने स्पेशल का नारगिन भाई का चार्ज ये तैयार हो चुका है ये स्पेशल वाला माना है ये नादिम रजा के नाम से तो देखा आपने दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है मा मांझा मेकर जो भी मतलब इस मांझा के जो मेकर है बनाने वाला का मतलब क्या बोलते हैं उसको जन्मदाता काइंड ऑफ वर्ड लगा लीजिए उनकी फ़ोटो दिखाई आपने हम हमने आपको और छोटा सा वीडियो था उनके अड्डे का बाकी बहुत वीडियोस आएंगे और भी आगे तब तक के लिए हम आपको मतलब चैनल को लाइक यू, और यूँ ही सब्सक्राइब और यूँ ही शेयर कर दीजिएगा और दूसरे के फ़ोन उठा के वहाँ से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार अगर ना करता हो कोई तो बाकी दोस्तों काफ़ी थैंक यू जो आप ये सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा था नाजिम राजा के मांजे के ऊपर जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और आपने देखा कि इसमें तो धागा भी नहीं है धागा इसलिए नहीं है कि ये माजा में पिछले एक हफ्ते से आ, एक से दो बार ग्राउंड में उड़ा चुका हूँ आज छत पर भी उड़ाया बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल है, है। छत पर तो खैर हमारे खींच के जान के पेच लगे अगेंस्ट चाइनीस मांझा तो अच्छा था वो कुछ उड़ा रखी थी एक दो बंदों ने तो मौका मिल गया दो तीन पेज काटने का छत से तो इसका मतलब है कि छतों का सीजन भी आने वाला है हमारे यहाँ पे बिकॉज एक दो एक दो पतंग शुरू हो गई उड़ना तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा अनरैप करने बिकॉज ये ऑलरेडी अनरैप है इस पर कोई थर्ड नहीं बदा हुआ तो कुछ इस तरीके से आता है हमारे मांझा मेकर का रैपर आप देख सकते हैं उनका नाम लिखा हुआ है और उनका फोन नंबर दैर आई विल शेयर विद यू इन द डिस्क्रिप्शन तो आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं तो पर्दा हटती आपके सामने एक चरखी नज़र आएगी अब देख सकते हैं यूज़ क्या हुआ मांझा है बट ज़्यादा नहीं चार पाँच सौ मीटर के आसपास लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल गया 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 उसी में बिकॉज मांझा बहुत ही बेहतरीन है अब आपने देखा कि अंदर का भी सेम है नाजिम राजा के नाम से ही बना हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है फ़ोन नंबर आर ओवर देयर कुछ इस तरीके से चरखी आती है हमारे भाई की और कुछ इस तरीके से ये रंग लगा हुआ है रंग तो आप कुछ भी लग रंग तो कहते हैं तो दो ही होते हैं एक काला एक सफ़ेद बाकी तो सब प्यार है तो कुछ आपको डोर निकाल के दिखाएंगे जो जिसकी वजह से मैं इसकी जो तारीफ़ कर रहा था और जिस वजह से मैं इस मांजे का वीडियो करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ थोड़ी सी डोर निकाल के आपको तो दोस्तों डोर निकल चुकी है सबसे पहले दिखाता हूँ आपको ये देखिए फोकस हो रहा है पूरा कैन यू सी दिस भाई साहब बिल्कुल कहते ना पतला कहते ना कि भैया खाना वाना नहीं खिलाया इसको लेकिन इसको बड़ा खाना खिलाया भाई कह रहा हूँ ये बारीक डोर ओ हो क्या बारीक डोर बनाई है यार आपको देखो फोकस में दिख रहा होगा कितना बारीक डोर बना रखा है ये लेट मी जस्ट शो यू विद दिस वे अगर यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही बारीक डोर है यार यकीन माने दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्राइस से मुझे इतनी बारीक डोर मिलेगी और सुताई अब आते हैं बात करते हैं, सुताई की तो बारीक डोर है तो आप समझ सकते हैं कि चढ़े हुए मांझा तो होगा नहीं क्योंकि चढ़े हुए मांझे में तो आपको पता है कि फिर डोर मोटी हो जाती है बारीक डोर है तो आप समझ जाइए कि भैया इस नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ स्मूथनेस एंड एंड शार्पनेस बोलो तो भाई कहते हैं ना कती धागे में शार्पनेस भी है और वही धागे में स्मूथनेस भी है रेंज के लिए एक्चुअली इस मेकर के साथ एक खासियत है कि उन्होंने पूछ लिया था कि आप छोटे पेज चढ़ाते हैं कि लंबे तो आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आप मॉडिफ़ाई करवाएंगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा हमने बोला हमें लंबे के लिए किया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि लंबे के पेज से वो स्टोर को इतना बारीक इतना लो चौरा बना देंगे कि आप इसको आराम से मतलब इस रेंज की डोर को भी आप विदाउट एनी लूजिंग कॉन्फिडेंस हज़ार बार सौ पे लड़ा सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिक डोर है ये विच इज़ नाइस धागा इसमें काटा भी है इसमें मुलायमपन भी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से लोच बोलते हैं दोनों चीज हम मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छे मांझे में जो होना चाहिए वो सब गुण इसके अंदर है तो कहते हैं ना सब सब गुण संपन्न मांझा है ये बोले तो सारे गुण है इस मांझे में भाई धार लचीलापन क्वालिटी बारिकनेस लंबे पलटने के लिए जी हाँ दोस्तों तो दिस थ्रेड हैज़ गॉट ईच एंड एवरी थिंग हर चीज़ है इसके अंदर इसीलिए मैं इस माने को कह रहा था कि मतलब इस रेंज में ना ये चीज़ देखने को मिल जाए ना मुझे समझ में आ गया कि देख भाई वो करने वाला ना किसी भी रेंज में क्या चीज़ दे सकता है डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करना चाहता है और कितना अपने आप को प्रूव करना चाहता है तो भाई ने प्रूव करना था अपने आप कर रहा है क्या बड़ी मेहनत कर रहा है तो ये लगा लीजिए ये डोर की कीमत आपको पड़ेगी सोलह सौ पचास से लेके 1800 सौ के बीच में जी हाँ दोस्तों ठीक है आपने सही सुना इस रेंज के अंदर कहते हैं ना कि सब संपन्न गुण मतलब हर गुण है इस मांजे के अंदर मतलब आप इस मांजे को बारीक है ये मांजा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कांटा इसमें लोच सब कुछ है इसमें स्मूथनेस इसमें मुलायमपन सब है इसके अंदर तो इस मतलब इस रेंज के अंदर ना ये क्वालिटी रहा ना मतलब लगा लीजिए उसने ना सारे मतलब रेंज की क्वालिटी एक ही में डाल के दे दी आपको तो ओ भैया इसीलिए मैं मतलब था कि आज इसको रिव्यू किया जाए आपके लिए तो आपके लिए अगर मैं इसका रिव्यू करूँ शौ, इन शॉर्ट में तो भैया वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बजट के अंदर जो लोग ढूंढ रहे हैं लंबे लड़ाने के लाइक सात सौ आठ सौ नौ सौ हज़ार मीटर पे इस मांझे को आप इस कारीगर के मांझे को आंख बंद करके उठा लीजिए आपको रिग्रेट नहीं होगा और अपने हिसाब से आप उसको बोलेंगे तो वो मॉडिफाई भी कर देगा आप उसको बोलेंगे कि भैया हमें लंबे पे चढ़ाना है हम रखते हैं तो वो आपको बारीक ही बना के देगा आप बोलेंगे छोटे के चाहिए हमें कांटा जाना चाहिए तो वो भी कर देंगे डेट समथिंग अप टू यू आप क्या करवाते हैं जैसे हमने करवाया तो उन्होंने इस रेंज में हमें ये चीज़ करके दी है विच इज़ वेरी ब्लेसिंग कि बहुत कम कारीगर होते हैं कि इस रेंज में इस क्वालिटी को देना पसंद करते हैं अदरवाइज उनका होता है कि ऐसी क्वालिटी का तो भाई बाईस तेईस सौ जगह मांग लो तो भैया अपना रिव्यू है ये बाईस तेईस वाली क्वालिटी आपको मिल रही है सत्रह सौ से लेके अट्ठारह सौ में मतलब बाईस तेईस सौ ना दे वही चीज़ आपको मिल जाएगी सत्रह सौ अट्ठारह सौ के अंदर तो क्या आपको लगता है कि ये एक कहते हैं ना कि बड़ा प्रॉफिटेबल डील नहीं है मेरे को तो लगता है इसलिए तो हमने ऑर्डर किया था सर तो ये था हमारा रिव्यू इस मांझे को लेकर कि एक बढ़िया चीज़ सत्रह से लेके अट्ठारह की रेंज के अंदर मतलब 1700 से लेके 1800 एटीन हंड्रेड की रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मान जाए जिसको आप जैसे मर्जी चाहे उड़ा सकते हैं जिस रेंज पे हजार मतलब 800 से लेके हज़ार हज़ार से लेके बारह सौ की रेंज में आप इसको आराम से फुल ऑन कॉन्फिडेंस पे उसको उड़ा सकते हैं तो ये था सब का रिव्यू बाकी जल्दी लाएंगे नए मानिएगा रिव्यू तब तो तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा थैंक यू गाइज